नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। मोदी सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल का लगातार बखान कर रही है, योजनाओं को लेकर जश्न मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के परेशान किसान बस इतना पूछ रहे हैं कि उन वादों का क्या जो हमारे लिए किए गए थे, वो तो पूरे ही नहीं हो रहे। तो किस बात का विकास पर? सोल हेल्थ कार्ड्स की, जिसकी राष्ट्रव्यापी लॉन्चिंग देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की सरजमी से की थी। खेतों को स्वस्थ रखने की स्कीम बताई गई, लेकिन उसके सार्थक परिणाम तो सामने नहीं आ रहे। ऐसे में आखिर बीमार धरा कैसे होगी स्वस्थ, दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस काले पानी की, जो भीलवाड़ा के किसानों के लिए सजा बन गया है। यहाँ पानी नहीं कर दिया है पानी का बुरा हाल। यहाँ भी किसान पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी कौन लेगा सुध। बात सबसे पहले इसी मुद्दे पर, क्योंकि यहाँ किसानों पर भारी है काला पानी। जायकोर हर साल की तरह इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वहीं वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में प्रशासन की अनदेखी के चलते फैक्ट्रियां काला पानी खेतों में छोड़ रही है, जिसके कारण खेत बंजर हो गए हैं और उनमें ऊसर जम गया है। यही नहीं, इस पानी के कारण कुओं का भी पानी जहरीला हो गया है, जिसे पीने के कारण लोगों के साथ ही मवेशी भी अब बीमार हो रहे हैं। यहाँ पानी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए पूरा मामला समझाते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है और इसी प्रसिद्धि के कारण उसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। लेकिन भीलवाड़ा जिले के गुवारड़ी गांव के किसान यहां लगे हुए कारखानों से खासे परेशान हैं। एक ओर जहां प्रदेश के किसान पानी की कमी को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं यहां के किसानों के हाल कारखानों से निकलने वाले पानी से बेहाल है। इन कारखानों से निकलने वाला पानी ही इनकी सोना उगलने वाली जमीन को लील रहा है। हम मौजूद है भीलवाड़ा जिले के प्रोसेस हाउस के पास गुवाड़ी गांव में। इसी गांव में जो ये पास में प्रोसेस हाउस स्थित है, इन्हीं प्रोसेस हाउस से निकलने वाले प्रदूषित पानी, काले पानी के कारण क्षेत्र के किसानों की जमीन बिल्कुल बंजर होती जा रही है। हम आपको ये दिखाते हैं, जो क्षेत्र के किसानों की जमीन है, जो बिल्कुल प्रोसेस हाउस द्वारा छोड़े जाने वाले काले पानी के कारण ऊसर हो गई है। इन्हीं प्रोसेस हाउस, जबकि नियम यह है कि प्रोसेस हाउस द्वारा जीरो डिस्चार्ज पर पानी को शुद्ध करके ही वापस काम में लिया जाना है, लेकिन इन प्रोसेस हाउस द्वारा अवैध तरीके से और मनमानी के कारण यहाँ से, इन प्रोसेस हाउस से दूर काला पानी जो लाइन बिछा कर यहाँ छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर स्थित प्रोसेस हाउस से लगातार बिना डिस्चार्ज किए काला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण ये आसपास के खेतों में जा रहा है और खेतों को बंजर कर रहा है। यही नहीं, इस पानी को मवेशी भी पीते हैं, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और उनकी अकाल मौत भी हो जाती है। काले पानी की वजह से हमारी पूरी जमीन खराब हो गई है और प्रोसेस हाउस के इनके मालिकों की मनमर्जी और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से ये सारा हो रहा है। काला पानी छोड़ रहे हैं और जीरो डिस्चार्ज, ये सामने ये देखिए, ये काला पानी नाले में ये पाइपलाइन डाल रखी है 400-500 फीट और इसके अंदर डाल के फिर खेतों में डाल रहे हैं। इससे क्या है कि जल स्तर तो गिर तो रही है और उसके साथ में जो पीने का पानी है उसमें भी इसकी ये काला पानी बंद हो, और इस काले पानी की वजह से गायें जो गर्भित होती हैं वो भी बेकार हो रही हैं। इसमें जो पहले 1 बीघे के अंदर 15 बोरी गेहूं निकलता है, उसमें अभी 6 बोरी गेहूं निकल रहे हैं और जमीन पूरी खराब हो गई, और खेती के लिए कुछ भी नहीं बचा अब तो। ग्रामीणों ने कहा कि इन प्रोसेस से जमीन में पाइपलाइन दबाकर 300 मीटर यहाँ खेतों में छोड़ दी गई, जिससे हमारे खेतों में इस पानी से ऊसर जमा हो गई है। इन खेतों में पहले जहाँ 1 बीघा से 1500 किलो गेहूं पैदा होता था, वहीं अब सिर्फ 600 किलो ही उपज रह गई है। यही नहीं, ये पानी जमीन में उतरकर कुओं में आ रहा है, जिसे मजबूरन ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों को भी कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं और महिलाओं में बांझपन की शिकायत भी आने लगी है। ये पानी भर का फैक्ट्री वाले मानते नहीं है और आस पास की जो भी जमीन है जो वो सब खराब हो गई है।
एक एक कुआं में काला पानी आ गया। पीने का पानी का काम नहीं है। गाय भैंस बकरी कोई भी हो, पक्षी पक्षी पानी पीते हैं, 10 दिन 5 दिन बीमार होके वो भी खत्म हो जाते हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये काला पानी बंद हो जाए और हमारे को फ्रेश पानी मिले तो ठीक रहे। नहीं तो प्रोसेस क्यों, कौन छोड़ रहा है काला पानी? ये प्रोसेस हाउस वाला छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस हाउसों द्वारा छोड़ा गया काला पानी क्षेत्र के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर चुका है। यहाँ का पेयजल प्रदूषित है, यहाँ इसको पशु पक्षी भी नहीं पी सकते हैं और ग्रामीण अपने खेतों में जो ये खेती करते हैं वो पानी भी अपने गांव के बाहर से लाते हैं। वहीं जब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिलवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो वहीं एसडीएम आनंदी लाल वैष्णव का कहना है कि ये जानकारी मुझे फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल से ही मिली है और इसकी जांच करवाई जाएगी। ये जानकारी आप द्वारा मुझे दी गई है और अभी वीडियो देखा, वाकई गंभीर है। अगर ये चोरी छुपे इतना दूर ले जाकर के अगर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जाँच करके प्रभावी कार्रवाई की। जानकारी मिलने के बाद जांच करवाने की बात जरूर कह दी गई, लेकिन उस पर कार्रवाई कब तक होगी ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशासन पर्यावरण दिवस बनाकर इतिश्री तो कर लेता है लेकिन अपनी आंखों के सामने पर्यावरण के दूषित होने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और इसी लापरवाही से यहाँ किसानों पर भारी हो गया है काला पानी। हम आपको दिखाते हैं जो काला पानी है, प्रोसेस हाउस द्वारा लगभग 100 से 300 मीटर दूर पर लाइन बिछाकर छोड़ा जा रहा है और जो ये लाइन क्षेत्र के किसानों की जमीन पर डाला जा रहा है और कहीं प्रोसेस हाउस ने तो जमीन लीज रह रखी है लेकिन लीज जमीन पर भी प्रदूषित पानी डालना अवैध है, लेकिन प्रोसेस हाउस की मनमानी के कारण काला पानी डाला जा रहा है और क्षेत्र की पूरी तरह जमीन खराब हो गई है। वहीं जो पशु पक्षी जो पानी को पी रहे हैं वो भी मरने को वो भी बीमार हो गए हैं और क्षेत्र का जल स्तर खराब होने के कारण पीने का पानी भी शुद्ध नहीं रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन प्रोसेस हाउस पर कब लगाता है लगाम और कब काला पानी प्रोसेस हाउस से निकलना होता है बंद। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ सोमदत्त त्रिपाठी, गुवाड़ी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता सोमदत्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सोमदत्त, यहाँ पर किसानों के लिए मुसीबत बन गया है यहाँ का पानी जो कि कारखानों से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से गांव जो है वो ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो क्या कुछ सामने आ रही हैं? जी, जो भीलवाड़ा शहर के पास ही जो खास समस्या का मेन सेंटर कहलाने वाला भीलवाड़ा जिला है, इसमें काफी प्रोसेस हाउस स्थित है। इस प्रोसेस हाउस से जो काला पानी, जो विषैला पानी निकलता है, जो कहीं प्रोसेस हाउस से दूर लगभग 300 मीटर दूरी पर जो लाइन बिछाकर खेतों में डाला जा रहा है, खेतों में डालने के कारण जो प्रोसेस हाउस के पास ही किसानों की जमीन है वो पूर्णतः खराब हो गई है, जमीन बंजर हो गई है। वहीं जो कुएं आसपास कुएं हैं उनका जलस्तर भी खराब हो गया है, पीने का पानी दूर से मंगवाना पड़ता है। लेकिन प्रदूषण विभाग के जब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो केवल देखकर जानकर भी अनजान बन जाते हैं। आखिर इस पर लगाम नहीं लगने के कारण किसानों के मुंह पर मायूसी है। जी, तो किसान यहाँ पर पूरे तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, खुद को परेशानी आ रही है पानी पीने से, दूसरी तरफ यहाँ पर जानवर भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन क्या इसकी शिकायत उन्होंने कभी प्रशासन से की? जी पूनम, इनकी शिकायत बार बार कहीं कैंप हो, चाहे कहीं जिला मुख्यालय हो, चाहे प्रदूषण विभाग के अधिकारी जहाँ कार्यालय हो वहाँ बैठते हैं, वहाँ जाकर भी इन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत का जब भौतिक सत्यापन भी कर लेते हैं, भौतिक सत्यापन के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान मायूस है। काफी बार इन्होंने शिकायत गुजारिश लेकर जिला कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, कहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारी के वहां भी पहुंचे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो प्रदूषण अधिकारी पर भी बनती है जो इस विभाग का जिम्मा संभालते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जब हम प्रदूषण विभाग के कार्यालय पहुंचे तो प्रदूषण जिला प्रदूषण अधिकारी महावीर मेहता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस संबंध में कुछ ही बात नहीं करना चाहते हैं और बिल्कुल वो बात करने से मना कर दिया, जबकि उन पर समस्त जिम्मेदारी प्रोसेस हाउस से जो भी काला पानी निकलता है, विषैला पानी निकलता है, उसको बंद करना, उस पर कार्रवाई करना जिला प्रदूषण अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ही कार्रवाई नहीं करने के कारण किसान काफी बिल्कुल निराश भी यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो ही यहाँ पर मुंह मोड़ रहे हैं। या तो उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है या फिर यहाँ पर लापरवाही जानबूझकर बरती जा रही है, वजह क्या सामने आ रही है?
जब हम जिला प्रदूषण अधिकारी के पास पहुंचे, उनको बताया कि कहीं प्रोसेस हाउस से काला पानी निकल रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि कहीं पर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन प्रोसेस हाउस से जीरो डिस्चार्ज पर ही पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाना चाहिए या उस प्रोसेस हाउस में वापस काम में लिया जा सकता है, लेकिन कहीं काफी प्रोसेस हाउस है जिससे दूर लाइन डालकर विषैला पानी डाला जा रहा है और उसकी जानकारी होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकारी पर बिल्कुल कारखानों पर हम रोक नहीं लगा सकते। वस्त्र नगरी इसे कहा जाता है, एशिया का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है और इसी के नाम से इसे प्रसिद्धि भी मिली है और इसी काम से भी, लेकिन कोई वैकल्पिक इंतजाम यहां पर करवाए जा सकते हैं क्या? इसे इसके बाबत कोई जानकारी यहां पर दी गई है प्रशासन द्वारा? प्रशासन सभी प्रोसेस हाउस को पाबंद करता है कि तमाम प्रोसेस हाउस में ऐसी आधुनिक तकनीकी अपनाई जाए जिससे जीरो डिस्चार्ज पर ही पानी को शुद्ध किया जाए और अगर शुद्ध करके ही उसी प्रोसेस हाउस में उसी पानी को वापस काम ले, लेकिन पाबंद करने के बाद में समय समय पर उस प्रोसेस हाउस में निगरानी और समय समय पर औचक निरीक्षण नहीं करने के कारण ये तमाम प्रोसेस हाउस, जो कुछ प्रोसेस हाउस है जो दूर लाइन डालकर विषैला पानी खेतों में छोड़ रहे हैं जिससे किसानों की जमीन बेकार हो गई है, कई प्रोसेस हाउस ने तो कुछ जमीन लीज ले रखी है लेकिन लीज लेने के बाद में भी उस जमीन पर पानी विषैला पानी नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें शुद्ध पानी ही छोड़ सकते हैं। विषैला पानी छोड़ने के कारण जो आसपास में पशु पक्षी है चाहे जानवर है जो भी पानी पी रहे हैं वो भी बीमार हो गए हैं। वहीं पास के किसानों का भी आरोप है कि हमारे जो पशु जंगल में जाते हैं वो भी उस खराब पानी पीने को मजबूर बिल्कुल सोमदित यहाँ पर मुश्किल तो आन खड़ी हुई है जिसका खामियाजा ये किसान जो है भुगत रहे हैं, खुद बीमार हो रहे हैं, सोना उगलने वाली जो उनकी जमीन है वो भी बंजर हो रही है, दूसरी तरफ उनके जो पशु हैं वो भी यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। आपने बताया कि डिस्चार्ज किए बिना ही यहाँ पर पानी जो है डाल दिया जाता है खेतों में, आखिर डिस्चार्ज ना करना इसकी वजह क्या सामने आ रही है? जब जिम्मेदार अधिकारी इन प्रोसेस हाउस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कार्रवाई नहीं करने के कारण बिल्कुल चलिए सही जानकारी मैं आपसे सोमदत्त लूंगी। अभी दयाराम जो कि वहां से ही ग्रामीण है वो हमारे से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दयाराम जी स्वागत है आपका। फर्स्ट इंडिया में बड़ी मुश्किल आ गई है आपके ऊपर, जो कारखानों से पानी निकल रहा है उससे आपकी जो जमीन है वो बंजर हो रही है और क्या कुछ समस्याएं आ रही है? दयाराम जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया, हमारे संवाददाता जो हैं सोमदत्त वो जुड़े हैं। सोमदत्त आप गए होंगे इस इलाके में, पूरा जायजा आपने वहां पर लिया है, वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? शिकायतें इतनी बार की गई, प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। यहाँ पर आनंदीलाल वैष्णव जो कि अतिरिक्त कलेक्टर है भीलवाड़ा से, आपने उनसे भी बात की, उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा ही हमें जानकारी मिली है, अब कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, लेकिन कब तक? जी पूनम, जो वहाँ क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि जो प्रोसेस हाउस द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे हमारी तमाम जमीन बर्बाद हो गई है, तब जब हमारी टीम ने मौका मुआयना किया और पानी को आते देखा तो हम तुरंत वहाँ से खबर लेकर अतिरिक्त कलेक्टर आनंदीलाल के पास पहुंचे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि तुरंत जब हमने इस खबर की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो संबंधित प्रोसेस हाउस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जांच करके। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमदत्त तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से काला पानी जो है वो इन किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, लेकिन जवाब यहाँ पर किसी के पास नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी हम बात करने वाले हैं उन किसानों की जो सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो वादे किए गए थे आखिर कब पूरे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद